नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और आज जिस शख्सियत के बारे में मैं बात करूंगा, उनके नाम से न केवल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक अध्ययन पीठ है बल्कि वो नोबेल पाने वाले एशिया के पहले अर्थशास्त्री भी हैं, अमर्त्य सेन। अगर आप अमर्त्य सेन के लिखे को पढ़ेंगे या उनकी कई बातों को सुनेंगे तो पाएंगे कि आर्थिक गतिविधियों की उनकी जो परिभाषा है उसके मूल में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान न होकर उनसे होने वाले मानव जीवन में बदलाव है, यानी किसी वस्तु और सेवाओं से मानव जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, कितना बदलाव आता है, ये उनकी परिभाषा के मूल में है। उन्होंने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास की परिभाषाओं को अलग करके देखा और बताया कि वृद्धि का मतलब विकास नहीं होता। वृद्धि का पता आप प्रति व्यक्ति आमदनी से लगा सकते हैं, लेकिन विकास की कसौटी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और स्वास्थ्य ही है। 3 नवंबर 1933 को कोलकाता में जन्मे अमर्त्य सेन के पिता आशुतोष सेन ढाका विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। उनकी माँ प्राचीन और मध्यकालीन भारत के जाने माने विद्वान क्षिति मोहन सेन की पुत्री थी। क्षिति मोहन सेन रविन्द्रनाथ टैगोर के काफी करीबी थे। बताया जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही अमर्त्य नाम सुझाया था, लेकिन उपलब्धि ये नहीं है। उपलब्धि ये है कि जिस शख्स की शुरुआती शिक्षा बंगाल से हुई वो धीरे धीरे अपने ज्ञान के दम पर और तर्क के बलबूते न केवल भारत के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाता है बल्कि कैम्ब्रिज से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक में उसकी किताबें पढ़ाई जाती हैं और वो खुद एक सम्मानित स्कॉलर के तौर पर उन विश्वविद्यालयों में अध्यापन करता है। दरअसल अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र को केवल अर्थ से जोड़कर नहीं देखा बल्कि उनके विमर्श में मानवीय संभावनाओं और मानवीय क्षमताओं की बात बार बार आती है। आप अक्सर अखबारों में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ते होंगे, तो जो संयुक्त राष्ट्र का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको विकसित करने में अमर्त्य सेन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी का सिद्धांत बताया, उसकी बात कही। इस कैपेबिलिटी थ्योरी के हिसाब से राज्य को ऐसे समाज बनाने पर जोर देना चाहिए जहां सभी मनुष्य अपनी क्षमताओं को पहचान सकें और उसे विकसित कर सकें, यानी एक ऐसे जीवन को प्राप्त करने की उसमें क्षमता हो जहां वो अपने जीवन को मूल्यवान कह सके। इसके लिए वो कहते हैं कि नागरिकों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ बोलने, खाने पीने, विश्वास और धर्म वगैरह की आजादी भी जरूरी है। इनके न रहने पर व्यक्ति अपनी उच्च क्षमता को ना तो पहचान सकता है और ना ही उसे प्राप्त कर सकता है। साल 1960 और 1970 के दशक में अमर्त्य सेन ने सोशल चॉइस की थियोरी पर काम किया था। इसके बाद उनकी पुस्तक आई थी पॉवर्टी एंड फेमाइन, जिसमें उन्होंने बताया कि अकाल जो है वो सिर्फ भोजन की कमी से नहीं होता बल्कि खाद्यान्न के वितरण में असमानता के कारण भी पड़ता है, यानी सप्लाई फैक्टर जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अमर्त्य सेन कहते हैं कि देश के एक हिस्से में लोगों की क्रय क्षमता यानी परचेजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से एक जगह मांग बढ़ सकती है और इसका असर उस हिस्से पर पड़ेगा जिसकी परचेजिंग पावर यानी क्रय क्षमता कम है, तो वहां ऑटोमेटिकली सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। अमर्त्य सेन से पहले अधिकतर विकासवादी अर्थशास्त्री कम उपज होने को ही अकाल का कारण मानते थे। अमर्त्य सेन की जिस बात के लिए सर्वाधिक चर्चा हुई वो है उनका कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब तक मैंने आपको जितनी बातें बताई वो सब जनता के कल्याण से जुड़ी हुई बातें थी, तो अमर्त्य सेन इन्हीं जन कल्याण की बातों को अर्थशास्त्र से जोड़कर बात करते हैं। जैसे आमतौर पर कहा जाएगा कि चलिए महिलाओं के लिए कोई नीति बनाई जाए, लेकिन अमर्त्य सेन इसे ऐसे देखेंगे कि क्या दो राज्य के महिलाओं के जीवन में कोई फर्क है या नहीं है और उन दोनों के अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, यानी सामाजिक नीतियां अगर इन असमानताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी तो आर्थिक वृद्धि के साथ विकास भी हो सकेगा। सेन के अनुसार शिक्षा और जन चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। इसी तरह प्रोफेसर अमर्त्य सेन मानते हैं कि स्वतंत्रता ही दुनिया की अर्थव्यवस्था के केंद्र में है और होनी भी चाहिए, और आर्थिक विकास के वही स्वरूप सफल भी हैं जो सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देते हैं, यानी आजादी जो है वो सेन के सिद्धांत के मूल में काम करती है।
वैसे अमर्त्य सेन भाषाओं और प्राचीन ग्रंथों पर काफी बारीक पकड़ रखते हैं। अपनी पुस्तक आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन में अमर्त्य सेन लिखते हैं कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स की प्रेरणा कहीं न कहीं उन्हें मैत्रेयी और याज्ञवल्क के संवाद से मिली है। इस पुस्तक में वो न केवल भारत के इतिहास और पहचान की बात करते हैं, बल्कि भारत में चली आ रही विमर्श की परंपरा को, पब्लिक डिबेट की परंपरा को बड़े ही तार्किक ढंग से उठाते हैं। उनकी कुछ और पुस्तकें हैं, कमोडिटीज एंड कैपेबिलिटीज, इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड, ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, आइडेंटिटी एंड वायलेंस। वैसे ये गर्व की बात है कि अमर्त्य सेन भारतीय परंपरा के आलोक में अर्थशास्त्र की बहुत सी बातों को परिभाषित करते हैं। ये अकारण नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने एक बार कहा था कि दुनिया के गरीबों और पीड़ितों के लिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन से बढ़कर कोई हितचिंतक नहीं है। उनकी रचनाओं ने विकास के चिंतन और व्यवहार में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट, लेकिन आज का सवाल रह गया, पूछ लेता हूं। आसान सा सवाल है, भारत में किस विश्वविद्यालय के पहले चांसलर की जिम्मेदारी अमर्त्य सेन ने निभाई थी? दोहरा देता हूं, भारत के किस विश्वविद्यालय के पहले चांसलर की जिम्मेदारी अमर्त्य सेन ने निभाई थी? उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए, यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, ऐतिहासिक नाम है, बहुत फेमस भी है। अपने उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ध्येय रेडियो के सभी पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा JioSaavn और Spotify जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी ध्येय रेडियो के पॉडकास्ट को सुना जा सकता है। तो अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।